आज हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम के फंक्शन। इकोसिस्टम के फंक्शन की बात करते हैं। इसमें जो फंक्शन होते हैं, इसकी जो कार्य प्रणाली होती है इकोसिस्टम की, उसको हम दो महत्वपूर्ण आधार पर डिस्कस कर सकते हैं। पहला होगा एनर्जी फ्लो। फर्स्ट होती है एनर्जी फ्लो। और इसका एनर्जी फ्लो जो होता है, या इसके साथ हो सकता है कि साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, जो खनिज पदार्थों का जो परिचक्रण होता है, वो भी यहाँ पे एनर्जी फ्लो के अंदर आएगा। एनर्जी के साथ साथ क्या होता है कि इसका साइक्लिक फॉर्म में भी जो खनिज तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उनका भी यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में अंदर जो है वो परिचक्रण होता है। फिर सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड है साइबरनेटिक्स। क्या है? साइबरनेटिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, इसके अध्ययन के लिए क्या किया कि इसमें स्पष्ट रूप से इसको अलग कैटेगरी के अंदर या फिर अलग अलग ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया। जैसे कि एक तो हो जाएगा ऊर्जा का प्रवाह में खाद्य श्रृंखला, जो फूड चेन होती है उसकी बात हो जाएगी। फिर हो जाएगा कि इसके इकोसिस्टम के जो पिरामिड बनते हैं, जो पारिस्थितिक पिरामिड है, उसकी बात हो जाएगी। फिर है ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है फ्लो, उसके बात हो जाएगी। और उसके पश्चात हो जाएगा कि खनिज पदार्थों का यहाँ पे जो साइक्लिंग होती है, खनिज पदार्थों की यहाँ पे जो साइक्लिंग होती है वो कैसे होती है। हम ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं फूड चेन। फर्स्ट पॉइंट है फूड चेन। फूड चेन को ही क्या कहा जाता है? फूड चेन को फूड वेब भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो फूड चेन होती हैं वो आपस में मिलकर के फूड जाल का निर्माण करती हैं, जिसको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। फूड चेन को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, एवं जो फूड वेब होता है उसको खाद्य जाल कहा जाता है। इसमें अगर बात करें कि जो अलग अलग लेवल पर, हमने कहा था कि अलग अलग लेवल पर जो अलग अलग लेवल के ऊपर जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स पाए जा रहे थे, उनको हमने कैटेगराइज किया था। जैसे सबसे नीचे बात की तो वो क्या था? प्रोड्यूसर। क्या था? प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर था वो सबसे नीचे था, और प्रोड्यूसर जो उत्पन्न करने वाला है, जो फूड बनाने वाला है, वो ज़्यादा मात्रा में होगा तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे फूड का निर्माण होगा। उसको अलग अलग लेवल स्टेप के अंदर रखा गया है। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट स्टेप। इसको कहा गया है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या कहा गया है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हम इसकी जो खाद्य स्तर है उसके बारे में बात कर रहे हैं इकोसिस्टम का। फिर हम बात करते हैं कि इसको खाने वाला कौन है, इसका कंज्यूम करने वाला कौन है? प्राइमरी कस्टमर। क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा वो क्या होगा? वो संख्या में थोड़ा कम होगा, पर इसके कंपेयर में ये कम होगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। क्या कहा जाएगा इसको? ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, जिसको कहा गया है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को प्राइमरी कंज्यूमर। क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर बात करते हैं कि इसके जो ऊपर होगा उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा है सेकेंडरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये जो हो जाएगा ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, और सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर क्या है? टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर को कहा जाता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, या टॉप, सबसे लास्ट, आउटर मोस्ट, या भी टॉप ट्रॉपिक लेवल भी कह सकते हैं। और इसको कहा जा, इसको कह सकते हैं सबसे नीचे वाले को बॉटम ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी श्रृंखला जो होती है उसमें जो फर्स्ट होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे लेवल भी बढ़ जाते हैं। अगर हम चेन की बात की जाए कि चेन के अंदर जो इंटरकनेक्टेड कड़ियाँ होती हैं, जैसे अगर बात करें कि ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट को खाने वाले कौन है? खरगोश, चूहा, ये सब है। तो ये जो होता है इसका जो कनेक्ट बीच वाली जो कड़ियाँ होती हैं वो 6 से 7 या फिर 5 से 6 से ज़्यादा नहीं होती है, इससे ज़्यादा कड़ियाँ नहीं होती है। फिर हम बात करें कि जो खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, वो खाद्य श्रृंखला का जो प्रत्येक जो स्टेप होता है, ये जो स्टेप है वो प्रत्येक स्टेप जो होता है यहाँ पर ट्रॉपिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो प्रत्येक स्टेप है इनको क्या कहा जाता है? पोषण संरचना कहा जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक निश्चित फूड लेवल एवं पोषण स्तर जो होता है वो यहाँ पर लेवल जो है इसका निर्धारण किया जाता है। फिक्स्ड होता है इसका फूड स्तर, ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर फिक्स होता है। फिर बात करें कि इसकी जो श्रृंखला है,
उसमें एक छोर पर उत्पादक होता है जो क्या होगा, स्वपोषी होगा, अपना भोजन खुद बनाएगा। और अगर दूसरे छोर पर बात की जाए कि दूसरे छोर पर क्या होता है, डीकम्पोजर होता है, जिसको अपघटक कहा जाता है। अगर हम किसी भी फॉरेस्ट की बात की जाए कि फॉरेस्ट की जो घास स्थल हैं वहाँ पर अगर बात की जाए कि उसमें क्या होगा, घास को खाने वाला कौन है, हिरण, हिरण को खाने वाला कौन है, शेर, और शेर को खाने वाला कौन है, डीकम्पोजर, क्या है, कौन है, डीकम्पोजर। तो यहाँ तक ये श्रृंखला जो होती है वो चार स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। फिर हम बात करें कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें दो प्रकार के लेवल होते हैं, जैसे स्थल पे ऊपर अलग इकोसिस्टम होगा और जलीय जो होगा वहाँ पे अलग इकोसिस्टम होगा। स्थल की अगर बात की जाए तो इस स्थल के ऊपर क्या है, घास है, सिंपल वे में ले रहे हैं हम, घास है, घास के, घास को कौन खाता है, हिरण, गाय, भेड़, बकरी खाती है, और ये क्या है, शाकाहारी है, ये क्या करें, मांस नहीं खाते, सिर्फ घास को ही खाते हैं। और घास को फिर मांस, जो शाकाहारी जंतु है उनको खाने वाला कौन है, शेर खाता है, मनुष्य खाता है। फिर हम बात करें जलीय के अंदर, एक्वेटिक के अंदर, तो एक्वेटिक के अंदर जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है वो है फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जूप्लैंक्टन खाता है, और कुछ छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो खाती है। फिर छोटी छोटी मछलियाँ जूप्लैंक्टन कौन खाता है, थोड़ी बड़ी साइज़ की मछली खाती है, और बड़ी साइज़ की मछली को कौन खाता है, वहाँ पे जो मगर एवं घड़ियाल होते हैं वो यहाँ वो उनको खाने का काम करते हैं। और मगर एवं घड़ियाल कौन खाता है, उनको डीकम्पोजर खा जाते हैं जब वो मर जाते तब। इस प्रकार क्या होता है कि एक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल के अंदर जो है वो ऊर्जा का स्थानांतरण भी होता है, और उसके साथ साथ टॉपिक लेवल जो होते हैं नए नए चरणों का निर्माण भी यहाँ पे होता है। फिर हम बात करें कि स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम की हमने बात की, तो उसमें जो सिंपल प्रकार का जो श्रृंखला है, फूड चेन है, उसका उदाहरण हमने लिया। इसी के साथ हम बात करें कि जो अब हम बात करें कि जो ऊर्जा का जो एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर स्थानांतरण हो रहा है, तो इसमें अगर बात की जाए कि यहाँ पे जो 90% ऊर्जा जो है, यहाँ पे 100% ऊर्जा समझ लो, तो यहाँ पे जो 90% जो ऊर्जा है वो यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर फ्री हो जाती है, और जो इसका जो 10% है, इसका जो 10% है वो अगले लेवल में जाएगा, और इसका जो 10% है वो अगले लेवल में जाएगा, और यहाँ पे जो रहेगा ऊर्जा उसका 10% जो है वो अगले लेवल में जाएगा। इस प्रकार जो होता है वो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में। अब यहाँ पे 90% ऊर्जा ह्रास कैसे हुई, यहाँ पे ऐसा क्या काम हुआ, देखो इसलिए यहाँ पे ह्रास हुई क्योंकि पूरे प्लांट जो है उसको तो पूरा खाने से रहा, जड़ सहित तो गाय, भैंस, बकरी, शाकाहारी जंतु है वो जड़ सहित तो पादप को खाने से रही। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ पत्तियाँ खाते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको यहाँ से पूरा खा जाते हैं लेकिन बॉटम वाला जो पोर्शन है वो अंदर ही रह जाता है, शाखाएँ उसकी जो तना होती है वो तो नहीं खा पाते। तो उसके लिए क्या है कि 90% पार्ट में से वो थोड़ा पार्ट रह गया, और इसके अलावा यहाँ पे ये जो है वो श्वसन का भी तो काम कर रहे हैं, पादप श्वसन का काम कर रहे हैं, उत्सर्जन का काम कर रहे हैं, इसी के साथ उनमें जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो अपनी खुद की क्रियाएं जो करते हैं उसके अंदर भी तो एनर्जी का लॉस होता है। तो ये सारी जो एनर्जी होती है वो 90% एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाती है, इसका सिर्फ जो 10% पार्ट है वो ही आगे नेक्स्ट टॉपिक लेवल की तरफ पहुँचता है। फिर हम बात करें कि जो अगर हम बात करें कि जो सरल सिंपल रूप से जो भोजन की जो श्रृंखलाएं हैं वो अपन को प्रकृति के अंदर तो दिखती हैं, इसी के साथ पौधे, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी प्राणी, ये जो होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। फिर हम बात करें कि जो एक या एक से अधिक अगर भोजन श्रृंखलाएं आपस में किसी ना किसी रूप में जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड या गुथी हुई रहती है, इनको कहा जाता है वेब जाल, खाद्य जाल कहा जाता है। जरूरी नहीं है घास को खाने वाला सिर्फ खरगोश है, नहीं, चूहा भी खा सकता है, ठीक है, और उसके साथ साथ कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो भी घास को खा सकते हैं। अगर हम बात करें कि चूहा जो होता है सिर्फ सांप जो है, सांप जो होता है सिर्फ चूहे को खाता है, नहीं, इसके साथ छोटी छोटी छिपकलियों को भी खा सकता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी सांप खा सकता है। जो अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है वो हमेशा नेचर के अंदर अवेलेबल रहता है। जब इकोसिस्टम कब डगमगा जाता है कि तब जब पूरा एक जो ट्रॉपिक लेवल है वो स्केप कर जाता है, पूरा एक जो ट्रॉपिक लेवल है अगर ये हमने यहाँ से हटा दिया, एक ट्रॉपिक लेवल को हमने यहाँ पे स्किप कर दिया, हटा दिया, तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अगर यहाँ पे कोई एक मेंबर है, एक स्पीसीज है, वो अगर नष्ट हो गई तो कोई फर्क पड़ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पूरा का स्टेप, पूरा का पूरा स्तर जो है वो यहाँ से स्किप कर देते हैं तो इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाता है।
जो हमने बताया था कि आपस में जो भोजन की जो श्रृंखलाएं हैं वो एक ही एक से अधिक भोजन की श्रृंखलाएं जो होती है वो आपस में गुथी हुई रहती है और इस प्रकार ये जटिल ऊर्जा पथ का निर्माण करती हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो ट्रांसफर है वो एक से दूसरे लेवल में होता रहता है। इसलिए इन सभी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बन जाता है, इनको कहा जाता है फूड वेव। और खाद्य श्रृंखलाओं में जो कड़ियाँ होती हैं वो 5 से 6 कड़ियाँ होती हैं, इससे ज़्यादा कड़ियाँ नहीं होती, वरना इकोसिस्टम जो होते काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर हम बात करें कि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें विभिन्न पोषक स्तर के जो सजीव होते हैं वो खाद्य पदार्थ की जो मात्रा होती है वो स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है। अब यहाँ पे जो भोज्य पदार्थ की मात्रा होगी वो इसके लिए स्टैंडिंग क्रॉप है, यहाँ पे जो भोज्य पदार्थ की मात्रा होगी वो अगले लेवल के लिए स्टैंडिंग क्रॉप के रूप में काम करती है। फिर हम बात करें बायोमास के बारे में, कि बायोमास की अगर बात की जाए कि जो जीवों का जो हम पिरामिड बनाते हैं वो बायोमास के बेस पे बनाते हैं और उसकी संख्या के बेस पे एवं ऊर्जा के बेस पे बनाते हैं। फिर पारिस्थितिक तंत्र का जो खाद्य जाल है वो जितना जटिल एवं फैला हुआ होता है उतना ही वो स्थायी होता है, क्या होता है उतना ही वो जो है स्थायी होता है। अब हम बात करें कि मुख्य रूप से प्रकृति में दो प्रकार की भोजन की जो श्रृंखलाएँ हैं वो पाई जाती हैं, उसको बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, एंड सेकंड है अपरदी खाद्य श्रृंखला। अपरदी खाद्य श्रृंखला, अब हम बात करते हैं फर्स्ट शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला की या ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन होता है उसमें क्या होता है, इसका जो इनिशिएशन होता है, इसका जो प्रारंभ होता है वो पौधे से होता है, इसलिए इसको कहा है शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला। पहला पौधा होगा, इसका जो प्रोड्यूसर होगा वो पौधा होता है, उत्पादक जो होता है। फिर पौधे से क्या कहाँ जाएगा, ये शाकाहारी जंतु की तरफ जाएगा, इसकी जो चेन है शाकाहारी जंतु से मांसाहारी जंतु की तरफ जाएगी और फिर यहाँ से वो डीकम्पोजर की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है उसको शाकवर्ती या ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो टेरेस्ट्रियल पर ही होता है, वो एक्वेटिक पर भी हो सकता है। अगर एक्वेटिक की अगर बात की जाए तो एक्वेटिक के अंदर क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोडक्शन का काम करते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनको खाने वाला कौन है, जूप्लैंक्टन है या छोटी मछलियां हैं, और छोटी मछलियां जूप्लैंक्टन को खाने वाला कौन है, बड़ी मछलियां, और बड़ी मछलियों को खाने वाला कौन है, मगरमच्छ या शार्क खा लेते हैं और उनको उनका जो है वो डीकम्पोजिशन जो है वो डीकम्पोजर के द्वारा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो ग्रेजिंग फूड चेन है जो किसी वृक्ष से स्टार्ट होती है, किसी पादप से स्टार्ट होती है, उसको कहा जाता है शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला। इसके अंदर भी इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है परभक्षी श्रृंखला, प्रीडेटर चेन। प्रीडेटर चेन की अगर बात की जाए कि ऐसी श्रृंखला जो छोटे पादप से स्टार्ट होकर के बड़े जो हैं बड़े जंतु की तरफ पहुंचती है तो उसको कहा जाता है परभक्षी श्रृंखला, प्रीडेटर चेन। इसमें सेकंड जो पार्ट है वो है पैरासाइट चेन, जिसको परजीवी श्रृंखला कहा जाता है। और ये परजीवी जो श्रृंखला होती है वो बड़े वृक्षों से स्टार्ट होकर के छोटे एनिमल पे आके रुक जाती है। अगर इन दोनों के हम पिरामिड बनाएं तो अपोजिट बनते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड अपरदी खाद्य श्रृंखला। अपरदी खाद्य श्रृंखला की बात की जाए कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जो सड़े गले जंतु के मृत जो पदार्थ होते हैं या फिर जंतु का जो बॉडी होती है, डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मृत सड़े गले शरीर एवं कार्मिक पदार्थों से स्टार्ट होता है, तो वहाँ उसको कहा जाता है अपरदी खाद्य श्रृंखला। इसमें अगर बात की जाए कि जो मृत कार्बनिक अवशेष होते हैं उनको खाने वाला कौन है, केंचुए, केंचुए खाने वाला कौन है, मेंढक, और मेंढक को खाता है सर्प, सर्प को खाती है चील। तो ये जो चेन बन रही है उसको कहा जाता है डिट्रीवोरस फूड चेन। फिर बात करते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ, सेकंड चेन की बात करें, मृत कार्बनिक अवशेष और उससे खाने वाला कौन है, स्नेल एवं घोंगा। जो स्नेल होता है उसको खाने वाला कौन है, श्रू है, और श्रू को खाने वाला कौन है, ओल। फिर बात करें थर्ड चेन की कि जो मृत कार्बनिक अवशेष है उसको खाने वाला दीमक, दीमक को खाने वाला चींटीखोर। ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो क्या होती हैं, ये प्राणियों की साइज जो होती है, जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला बढ़ती है वैसे वैसे प्राणियों की साइज बढ़ती रहती है। फिर हम बात करें कि ओडम के अकॉर्डिंग क्या है कि दक्षिणी जो फ्लोरिडा है उस क्षेत्र के अंदर लवणीय इलाकों में पाए जाने वाले जो मैग्रोव प्लांट है उनकी जो पत्तियां हैं वो डेट्रीवोरस फूड चेन के रूप में काम करती हैं। क्यों काम करती है कि उसकी जो पत्तियां होती हैं वो जल के अंदर चली जाती हैं और जल का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा उष्ण होता है, वो थोड़ा
पत्तियाँ जो होती हैं वो गर्म और गहरे जल के अंदर गिरती है, और गहरे जल के अंदर क्या है, जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, इसी के साथ वहाँ पे सेप्रोफाइट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, निरंतर वहाँ पे जो लीफ नीचे गिरी है उसका अपरदन करने का काम करते हैं, और ये अपरदन हो जाता है, मृदा जो पत्तियाँ अंदर गिरी हैं वो डीकम्पोज हो जाती हैं, तो उनको खाने का काम कौन करता है, वहाँ के रहने वाले केकड़े, निमेटोड्स, कृमि, श्रिम्प, मोलस्क, एम्फीपॉड्स, ये क्या करते हैं, ये जो है वो अपरदी जो डीकम्पोज हुई है लीफ उनको खाने का काम करते हैं, और फिर इनको खाने के लिए कौन है, छोटी मछलियाँ खाती हैं, और छोटी मछलियों को खाने के लिए वहाँ पे बगुले रहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये खाद्य श्रृंखला रिट्रीवोरस फूड चैन आगे चलती है। इसमें अगर बात की जाए कि ये जो फूड चैन है वो आपस में इंटरकनेक्ट भी होते हैं, जैसे मृत, सड़े गले, कार्बनिक पदार्थ, जैसे पादप जंतु की स्टार्ट करें तो इनको खाने वाला कौन है, इनको खाने वाला कौन है, जीवाणु, कवक, फिर केचुआ एवं फिर कवक, इसको तीन प्रकार कैटेगरी में डिवाइड किया। फिर इनको खाने वाला कौन है, छोटी मछली, मेंढक, गिलहरी, फिर इनको खाने वाला कौन है, बड़ी मछली, सर्प, चील, और सबसे लास्ट में खाने वाला कौन है कि बड़ी मछली कौन खाएगा, उसको पक्षी खाएगा, और सर्प को खाएगा चील या बाज, एवं गिलहरी को खाएगा चील या बाज। इस प्रकार से जो है वो छोटे से ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर के ये बड़े ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करता है, रिट्रीवोरस फूड चैन। फिर अगर बात करें जो खाद्य श्रृंखला में जो भोजन होता है वो इकोसिस्टम तंत्र को स्टेबिलिटी का प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम घास स्थल की बात करें कि उसमें जो शाकवर्ती श्रृंखला होती है उसमें खरगोश अगर अनुपस्थित होता है तो उसको खाने वाला कौन है, घास को खाने वाला चूहा वहाँ पे अवेलेबल रहता है, कि जो खरगोश अगर मर भी जाए सारे खरगोश तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ के घास को खाने वाला कौन है, चूहा, और चूहों को कौन खाता है, सांप खा लेता है। तो इस प्रकार जो है वो चैन जो होती है कंप्लीट हो जाती है। अगर पूरा लेवल ही स्किप कर दिया जाए तब वहाँ पे गड़बड़ी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि अगर पूरा लेवल वहाँ पे स्किप कर जाए, जैसे खरगोश और चूहे दोनों को ही अगर मार दिया जाए वहाँ पे, दोनों को ही हटा दिया जाए, तो वहाँ पे क्या होती है कि घास ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करती है, उनको खाने वाला कोई नहीं होता है, तो वहाँ पे प्लांट जो होता है, जो इकोसिस्टम होता है, वो अपने स्वयं जो है अल्टरनेट पाथ स्टार्ट करता है, उसको खाने के लिए कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ना कोई ऐसा जो है इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा कि वो उस घास का वहाँ पे उसको खाया जा सके। फिर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर बात की जाए, कि डेफिनेशन की बात की जाए, कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर अपने क्या क्या विभिन्न पोषण स्तरों के आधार पर अपने अलग अलग लेवल कैटेगराइज किए थे, इनको एक जो है पिरामिड एंगल के रूप में प्रदर्शित करना या फिर पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। अब जैसे जैसे एक पिरामिड की व्यवस्था जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ पोषण स्तर, जैसे नीचे की ऊपर की तरफ बढ़ती है, यहाँ की नीचे के पोषण स्तर जो होता है वो पहला होता है, और पहले से जो है अंत तक जाते हैं तो वो एक ट्रायंगल शेप में रूप ले लेता है, तो उसको कहा जाता है पिरामिड। फिर हम बात करें कि जो नीचे वाला स्तर होता है वहाँ पे जो है नीचे से ऊपर की तरफ पोज स्तर की तरफ ये पिरामिड जो होती है अग्रसर होते हैं, और जीवों की संख्या जो होती है उसमें भी नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर कमी आती है। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए कि जो टॉप कंज्यूमर होता है वो अंत में रहता है, उसकी संख्या कम रहती है, और जो नीचे की तरफ रहता है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा रहती है। जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा रहती है और ये बॉटम पर रहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर के पिरामिड, संख्या को लेके पिरामिड बनाएंगे, फर्स्ट जो है वो नंबर को लेके पिरामिड है। यदि किसी भी इकोसिस्टम के उत्पादक एवं उसका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्तर जो होते हैं, लेवल होते हैं, उनको, उनके जो जीव होते हैं उनकी संख्या के अगर पिरामिड बनाए जाते हैं तो ऐसी, इसे सजीवों का संख्या का पिरामिड कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं वन बाय वन, जिसमें हम सबसे पहला देखते हैं कि अगर किसी भी फॉरेस्ट का या फिर घास का लें इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट है या फिर प्रोड्यूसर है, समझ लो यहाँ पे कोई प्लांट है, प्लांट जो है यहाँ पे, अगर है जो घास स्थली की बात करें तो इस घास के ऊपर अगर कीड़े मकोड़ों की बात की जाए तो कीड़ों मकोड़ों की जो संख्या है, टिड्डी वगैरह या फिर पक्षी, टिड्डी पक्षी उनकी बात की जाए तो उनकी जो संख्या है वो यहाँ पे थोड़ी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जितनी भी घास है, घास की संख्या यहाँ पे ज़्यादा रहेगी,
नंबर का पढ़ रहे हैं ना, तो घास की संख्या यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, तो उसके ऊपर जो टिड्डे वगैरह पक्षी होंगे वो पक्षी कम मात्रा में रहेंगे, उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाएगा, और ये घास जो है वो प्रोड्यूसर है। और इसके इनको जो कीड़े मकोड़ों खाने के लिए क्या है, सांप रहेंगे यहाँ पे, सांप के साथ साथ यहाँ पे छिपकलियाँ रहेगी, तो उनको खाने के लिए जो छिपकली और सांप है वो थोड़े और कम मात्रा में रहेंगे एज़ कम्पेयर टू जो है प्राइमरी लेवल। फिर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर, फिर ये जो हो जाएगा सांप और छिपकली यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा, और इनको खाने के लिए यहाँ पे कोई पक्षी रहेगा जैसे बाज, जो बाज रहेगा वो भी संख्या में और भी ज़्यादा कम रहता है। तो इस प्रकार का जो इकोसिस्टम है नंबर के बेस पे वो सीधा पिरामिड है, अपराइट पिरामिड है। क्या है? अपराइट पिरामिड। तो इस प्रकार के जो है नंबर के आधार पर पिरामिड बनाए जाते हैं। ये जो पिरामिड है वो ग्रासलैंड का है। क्या है? ग्रासलैंड का है। इसी साथ अगर वन की बात करें, जो वन वन इकोसिस्टम है उसकी अगर बात की जाए कि जो उसका पिरामिड है, वृक्ष बहुत सारे हैं, वृक्ष के ऊपर जो है पक्षी बहुत कम रहते हैं, और उसको खाने वाले जो जीव हैं वो थोड़े कम रहते हैं, छिपकली और सांप वगैरह, और उनको खाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि ग्रास रहती है, ग्रास को खाने के लिए क्या है, वहाँ पे भेड़ बकरी हिरण रहेगी, हिरण को खाने के लिए वहाँ पे शेर रहता है। तो इस प्रकार जो वन स्थल है उसका भी पिरामिड जो है वो सीधा बनता है, जिसको अपराइट पिरामिड कहा जाता है। तो उल्टा किसका बनता है? अगर हम सिर्फ एक वृक्ष की बात करें, सिर्फ हम एक वृक्ष की बात करें, समझ लो एक वृक्ष है ये एक वृक्ष है, और एक वृक्ष के ऊपर जो पक्षी है वो कितने हो जाएंगे, जैसे वृक्ष एक है तो पक्षी 10 हो जाएंगे, 10 पक्षी तो कम से कम रहेंगे, और उनके ऊपर जो पैरासाइट है, जो पैरासाइट है वो कितने रहेंगे, कम से कम 500 या 50 के आसपास रहेंगे, और पैरासाइट के ऊपर जो है हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट के ऊपर जो रहने वाले पैरासाइट होते हैं बहुत छोटे छोटे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कितने रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इस प्रकार का जो सिंगल वृक्ष का अगर हम नंबर की बात करें तो वो पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है। इसको कहा जाता है पैरासाइट चैन। क्या कहा जाता है? परजीवी खाद्य श्रृंखला, जो क्या बनती है, जो उल्टा बनता है, जिसका पिरामिड जो है वो विलोमित उल्टा या इन्वर्टेड होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पिरामिड ऑफ बायोमास। ये नंबर के पिरामिड हो गए, सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास की अगर बात की जाए कि इस बायोमास की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, सीधा सीधा सिंपल वे में समझे तो शुद्ध जो भार होता है, जो शुष्क भार होता है, शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। जिसके द्वारा अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला एवं प्रत्येक पोषक स्तर के जीवों के पारस्परिक संबंध को निरूपित किया जाता है, उनको जैव भार पिरामिड कहा जाता है। और जो जैव भार पिरामिड होता है वो जीवों का शुष्क भार होता है, ड्राई वेट होता है, उसको कहा जाता है बायोमास। अगर हम बात करें किसी भी इको किसी वन की अगर बात की जाए तो वन में अंदर क्या होता है कि बहुत सारे वृक्ष होते हैं, बहुत सारे वृक्ष होते हैं, समझ लो यहाँ पे 5 वृक्ष हैं, 5 नहीं 50 वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं। अब हम वन की बात कर रहे हैं, वन का जो इकोसिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। वृक्ष के खाने वाले कौन हैं? जैसे खाने वाले कोई भी रहेंगे तो वहाँ पे कम संख्या में रहेंगे, 10 भी नहीं, ये सिर्फ 5 बहुत कम मात्रा में रहेंगे, और उसको कहा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे हाथी हिरण गाय भेड़ बकरी। फिर इनको खाने वाले जो हैं वो और भी कम मात्रा में रहेंगे, और इनको खाने के लिए जो शेर रहेगा वो और भी कम मात्रा में रहेगा। तो इस प्रकार का जो पिरामिड है ये सीधा पिरामिड है, ये जैव भार का पिरामिड जो है वो सीधा होगा, क्योंकि प्लांट का जो जैव भार होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि नंबर भी यहाँ पे ज़्यादा है तो बायोमास भी यहाँ पे उसका ज़्यादा रहेगा। फिर हम बात करें, हर किसी में ये सेम नहीं होता, बायोमास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हर किसी को आप जो है नंबर के आधार पर इसको बायोमास पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बायोमास जो होता है वो अलग होता है, नंबर के बेस के ऊपर नहीं होता, उसका जो आकार होता है, उसका जो ड्राई वेट होता है बायोमास, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बायोमास जो होता है उसका ड्राई वेट जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम बात करें कि अगर तालाब के इकोसिस्टम की बात करें तो ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है कि अगर हम फर्स्ट लेवल पे बात करें कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनको खाने वाले कौन है, जू प्लैंक्टन है। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो कम मात्रा में छोटे छोटे होते हैं, और जू प्लैंक्टन जो होते हैं वो उससे भी कम मात्रा में होते हैं, लेकिन उनका जो बायोमास होता है, उनका जो
बायोमास होता है वो ज़्यादा होता है। फिर हम बात करें कि जू प्लैंकटन को खाने के लिए जो छोटी फिश होती है लेकिन उसका बायोमास ज़्यादा होता है, फिर छोटी मछली को खाने वाले की बड़ी मछली होती है और बड़ी मछली का जो बायोमास होता है वो ज़्यादा होता है, उसका जो ड्राई वेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो तालाब का जो इकोसिस्टम है वो उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा इन्वर्टेड होता है। और अगर वन का बात करें बायोमास के ऊपर, वन का जो बायोमास के अंदर जो इकोसिस्टम होता है वो जो है अपराइट होता है, यानी सीधा होता है। फिर हम बात करें एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, थर्ड जो है वो है ऊर्जा के स्तूप। थर्ड है ऊर्जा के स्तूप। ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा होता है। सीधा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, अपना कुल टोटल भोजन का जो 90% पार्ट होता है वो तो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देता है, इसका सिर्फ 10% जो होता है वो नेक्स्ट लेवल को जाता है, और जो सेकेंड लेवल है इसका सिर्फ 10% जाता है, और उस सबसे ऊपर वाला जो लेवल है उसमें सिर्फ 10% जाता है। तो इस वजह से एनर्जी का जो फ्लो है वो जो है वो उसका जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, क्या बनेगा, अपराइट पिरामिड हमेशा जो है वो सीधा बनेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा मात्रा में फूड बनाता है लेकिन वो सिर्फ उसका जो है 10% ही अगले लेवल को दे पाता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर को दे पाता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर है वो 10% का भी 10% या मिला है उसका भी 10% जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को देता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है उसका भी 10% जो है वो टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर को देता है।